यहाँ पे लैब जो है यहाँ पर करवाई जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मैम आप अपना नाम बताएंगे, पहले तो हम जानेंगे कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम नेहा शर्मा है। मैम यहाँ पे बच्चों को अभी कंप्यूटर कोर्स सिखाया जा रहा है, कितनी स्ट्रेंथ जो है अभी आपके पास? एट प्रेजेंट हमारे पास 100+ स्टूडेंट्स हैं। तो अभी आपके पास 100+ स्टूडेंट है। अभी हमने सुना था कि यहाँ से एक बच्चा जो है वो स्पेन के लिए सिलेक्ट हुआ। बिल्कुल, अभी हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट स्पेन के लिए सिलेक्ट हुआ है। इससे पहले भी कई स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ अमेरिका, कुछ ऑस्ट्रेलिया, आउट ऑफ कंट्री बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से डिप्लोमा बेस पे गए हुए हैं। यहाँ पे फीस कितनी रहती है? यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाहर भी क्या ये र्यूमर ही है फ्री ऑफ कॉस्ट है कि यहाँ पे सच में फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे ट्यूशन चार्जेस नहीं। अगर बच्चों को आपने मैसेज देना हो, सजेशन देनी हो, तो किस तरह से? मैं यही सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पे आए, एक बार विजिट करें, डेमो क्लासेस लें, उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा हमारे साथ तो आप जरूर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारे पास यहाँ पे बच्चे और भी हैं, उनसे भी जानेंगे। सर आपका नाम? सर मेरा नाम निखिल सिंह जसरोटिया है। सर आप घर कहाँ से आते हैं? मेरा घर खरोट है। आप खरोट से इतनी दूर यहाँ पे आते हैं, आसपास भी वहाँ पे हालांकि होंगे कई सारे सेंटर्स होंगे, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे आते हैं, बताएंगे यहाँ पे आने का मेन रीज़न? सर एक्चुअली ना मुझे किसी ने इस इंस्टीट्यूट के लिए बताया था। एक्चुअली जो इंस्टीट्यूट है मेरे, मतलब कि मेरे सर और भाई भी लगते हैं, तो मुझे उन्होंने खुद लेके आए थे इधर, उन्होंने मेरे पापा से बात की थी, तो फिर मैंने इधर आके सर से बात की, मैम से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि किस हिसाब से इस इंस्टीट्यूट का क्या क्या प्रोसीजर है। तो मुझे इधर आए हुए 8 महीने हो गए हैं, तो मेरा ख़त्म होने वाला है, लास्ट अकाउंट चल रहा है। तो इधर मैम और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को समझाते हैं, और इसमें हमारे 3 कोर्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं बेसिक, उसके बाद सी, उसके बाद लास्ट अकाउंट्स होता है। जैसे कि यहाँ पे जो है आपके ही साथ पढ़ता है एक लड़का जो है स्पेन में सिलेक्ट हुआ है जॉब के लिए, क्या आपको मतलब होता है कि मैं भी बाहर जाऊँगा, बाहर जॉब लूँगा? हाँ सर, मैं एक्चुअली उसको अभी यही पूछ रहा था कि आपने क्या प्रोसीजर था, कैसे कैसे हुआ आपके साथ, और मुझे भी बताओ, मुझे भी सजेस्ट करो, मैंने भी शायद मैं भी बाहर जाने के लिए ट्राई करूँगा। तो भाई बोल रहे थे कि मैं आपको नंबर दूंगा जो भी जिसके साथ मिले थे, तो मैंने उससे उनका नंबर लिया है, तो अभी मैं उनसे बात करूँगा। तो चलिए सर आपसे अभी बात करेंगे, बताएंगे किस तरह से बच्चों को यहाँ से इंस्टीट्यूट से फ़ायदा मिलेगा। देखो हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो सारे के सारे कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, और काफ़ी सारे बच्चों को ये चीज़ रहती है कि सर हम ये कोर्स कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसमें वैसा कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे 8+ ऑनवर्ड जो बच्चे रहते हैं वो आसानी से यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, और जो जो हम यहाँ पे कोर्सेज करवा रहे हैं इसमें 3 मंथ का, 6 मंथ का और 1 ईयर का कोर्स रहता है, जिसमें हमारा जो कोर्सेज में जो चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, उसमें जैसे बेसिक आ जाता है, बेसिक के साथ साथ हमारा लैंग्वेज आ जाता है, लैंग्वेज के साथ साथ हमारा यहाँ पे अकाउंट्स आ रहा है, टैली आ रहा है, HTML आ रहा है, और लास्ट में हमारा जो रहता है वो रहता है विजुअल बेसिक का। ये कुल मिला के 1 ईयर का कोर्स हमारे पास बच्चों का रहता है, और ये कोर्सेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो NGO की तरफ से है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है बच्चों के लिए। और सर ये बात सच है कि यहाँ से एक बच्चा जो है स्पेन में जॉब के लिए सिलेक्ट? जी सर, एक्चुअली वो बच्चा ग्रेजुएट है यहाँ पे, वो ग्रेजुएशन के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास कोर्स भी कर रहा था, और हाल ही में उसका इंटरव्यू हुआ था, इसी कंप्यूटर के बेस के ऊपर उसको स्पेन में जॉब मिल रही है अभी। और उसके साथ साथ हमारे पहले भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो लंदन के लिए और कनाडा के लिए, वहाँ के लिए सिलेक्ट हुए हैं बच्चे हमारे पास यहाँ से, और काफ़ी अच्छा बच्चों का एक्सपीरियंस आता है। बड़े सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि नहीं ये हम आए हैं और यहाँ से हमें बड़े सारे फैसिलिटीज़ मिली हैं, बड़ी सारी अपॉर्चुनिटियाँ हमें आगे जाके मिली हैं, और ये कोर्सेज करने के बाद बच्चा चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाए या गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, हर एक जगह ये डिप्लोमा वैलिड रहता है, और जो भी इसकी वेरिफिकेशन रहती है, बच्चों को कहीं आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी इसकी वेरिफिकेशन रहती है वो सारी की सारी ऑनलाइन ही रहती है। सर फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है? सर इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी फीस नहीं रहती, मंथली ट्यूशन चार्जेस जो रहते हैं वो कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर कोर्स करवाया जाता है। अगर आपसे कोई मिलना चाहे, इस बारे में डिटेल लेना चाहे, तो वो आपसे कैसे जो है वो संपर्क करें? हमने आपने नंबर बताए हुए हैं, और वो उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, कॉल करें एनी टाइम, और यहाँ पे विजिट करें और आके यहाँ से पूरी पूरी डिटेल ले सकते हैं। बताएंगे सर ऑडियंस को क्या लोकेशन क्या है आपके इसी? हमारी लोकेशन शहीदी चौक वार्ड नंबर 5, वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है, आप कभी भी आ सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं।
सर ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है कि गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट लिमिटेड है, सेमी गवर्नमेंट रहता है, तो इस तरीके से है। तो जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई की कोई भी सीमा नहीं होती है, आप किसी भी उम्र में चाहें तो वो पढ़ाई कर सकते हैं, तो इसीलिए सेमी गवर्नमेंट सरकार की तरफ से ये चिन्हित किए जाते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट कि आप कभी भी यहाँ पर आके जो है वो पढ़ सकते हैं और नौकरी जो है पा सकते हैं, क्योंकि बेरोज़गारी की दर जो है कहीं ना कहीं वो घटती जा रही है। यहाँ पर आएँ, एक साल का जो है वो कंप्यूटर कोर्स पूरा कर कर आप कहीं भी जो है वो नौकरी पा सकते हैं। तो हम आपको नंबर दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो यही सजेशन रहेगी कि यहाँ पर आएँ, एक बार डेमो क्लासेस लगाएँ। अगर आपको अच्छे से आपको एक्सपीरियंस मिलता है तो फिर ही आप यहाँ पर जो है अपनी कंटिन्यू जो है वो स्टडीज कर सकते हैं। ऐसी कई सारी नई नई स्कीम्स जो है वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे और पहुँचाते भी आए हैं। तो बने रहिए दैनिक शिप टाइम्स के साथ, सहयोगी सिद्धार्थ के साथ, कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, दैनिक शिप टाइम्स। जय हिंद, जय।